तो हेलो फ्रेंड, मेरे लाइक टेक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फोटो के बैकग्राउंड को कैसे रिमूव कर पाएंगे। उसके लिए हमारे को एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, वो एप्लीकेशन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी हम अपने प्ले स्टोर में जाते हैं, बैकग्राउंड फोटो रिमूवर सर्च करते हैं, वहां पर काफी सारी एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है। पर फ्रेंड, मैं आपको बता दूंगा, उससे आपने कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना है। फ्रेंड, जिस एप्लीकेशन को मैं आज आपको बताऊंगा, उस एप्लीकेशन को यूज करते हुए कम से कम मेरे को आज 1 महीना हो चुका है, इसीलिए मैं आपको बताऊंगा वही एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए। अगर आपको अपनी फोटो की क्वालिटी सही चाहिए, अगर यानी कि अगर आपकी फोटो DSLR से खींची हो या मोबाइल से खींची हो, तो उसमें क्या है कि आपकी क्वालिटी बहुत आपको बहुत अच्छी देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड, इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना, तभी आप जो एप्लीकेशन को मैं बताऊंगा उस एप्लीकेशन को आप सही से समझ पाएंगे। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साइड में दिए बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है बैकग्राउंड इरेजर फोटो को। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो दूसरे नंबर वाला ऐप शो कर रहा है, आपने इसी ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। इसको मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ओपन करने के बाद अपने मोबाइल में कुछ इसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दी जा रही हैं, आप तीनों में से जो मर्जी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आप कैमरे से भी फोटो को क्लिक करके आप अपने फोटो के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास फोटो है तो आप अपने फोटो पे जाएंगे, उसके बाद अपने गैलरी में आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जिस आप अपने जिस फोटो के बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं कोई भी फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद आपको कुछ ऐसे आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, अगर आपको यहीं से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हो, आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छे अच्छे बैकग्राउंड आपको देखने को मिल सकते हैं। आप यहाँ से किसी भी बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ कि ये एक पेड वर्जन ऐप है, पर आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे जो है आपको यहाँ से ही बैकग्राउंड चेंज आपको यहाँ से मिल जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। तो आप यहाँ से किसी भी बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक फ्री वाला दिखा देता हूँ करके सेलेक्ट। सिंपली अपने फोटो पे क्लिक करना है, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये फ्री वाला है। तो आप बहुत इजीली ऐसे ही आपको यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आपको फिल्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। किसी भी बैकग्राउंड को बहुत ईजिली आप चेंज कर पाएंगे यहाँ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। कुछ इस टाइप से आप अपने फोटो के बैकग्राउंड को बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड, अगर आपने अपने फोटो के बैकग्राउंड को चेंज करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट हैंड में नीचे आपको PNG दिखना है, आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हो, वन क्लिक में आपकी जो फोटो है जो उसका बैकग्राउंड है वो बहुत ईजिली चेंज हो चुका है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा आपको चेंज हो चुका है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, इसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल सेम रहने वाली है। अगर यानी कि जो आपकी कैमरे की क्वालिटी है वो ही आपको यहाँ पे फोटो की सेम देखने को मिलेगी। ये नहीं है कि आपकी जो फोटो की क्वालिटी है वो डाउन हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद आप अपने फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव करने के बाद आपने यहाँ पे राइट हैंड पे क्लिक करना है ऊपर वाली साइड। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे अगर अपनी फोटो को एडिट करना है, क्रॉप करना है, फिल्टर लगाना है, आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से आप अपने फोटो को बहुत इजीली फिल्टर कर सकते हैं, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको अपनी PNG फोटो को आप सेव करना है तो आपने आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउन का ऑप्शन आ रहा है सबसे ऊपर वाली साइड, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, ये बिल्कुल सेव हो चुका है आपकी गैलरी में। अगर आप यहाँ से शेयर भी करना चाहते हो तो शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।